हाँ जी, माता और बहना और भाई वीर ताओ चाचा को सबको मेरी नमस्कार है। मैं बहुत पुरानी यहाँ की केनर हूँ और राजकुमारी मेरा नाम है। मैं कैथल जिले से ही हूँ और कैथल की ओर आनी हूँ। और यहाँ मैं ये कहना चाहती हूँ भाई, कुछ केनर हैं बरूफिए, उनसे सावधान रहना, उनको इनाम नहीं देना। अनाम मेरे को देना, मेरा टेलीफोन नंबर है वो दे दूंगी मैं, उससे बात करना मेरे नंबर से। और ये मेरा नंबर है, मोबाइल नंबर। अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ और ये मेरा नंबर टेलीफोन है। और बुरुफियों से सावधान रहना। अब मैं काफ़ी दिनों से रह रही हूँ, आज तक इलाके में कोई भी गलती नहीं आई है, मेरे रजौंद में, मेरे कैथल जिले में आज तक मेरी कोई शिकायत नहीं आई है। असली कीनर मैं राजकुमारी हूँ, यहाँ कैथल जिले की मालिक हूँ। और मेरे पे सापी टिकट भी है, मेडिकल भी है। और इन बुरुफियों ने कैथल जिले में ही बुरुफियों ने पहले भी मेरे दान तोड़े हैं और 751 का भी चलांत बनाया उन्होंने, लेकिन मैंने साइंटिस्ट से कागज निकलाया है, कागज बिल्कुल बढ़िया है और साइंटिस्ट का कागज है, ये देखा जाए। और कार्रवाई कोर्टों में चल रही है इनके बरखिलाफ। और ये मैंने 4 साल पहले ही इसको बेदखल कराया था, किरण ध्वाज भारद्वाज को, ये अपना जिला जींद में चले जाए, वहाँ अपना बहन भाइयों में रहे, बड़ी खुशी की बात है। ये किसी को सताए ना और लोगों को, बच्चों को साथ निजाज ना करे, किसी को किन्नर ना बनाए। अगर किन्नर बनाएगा, माड़ा काम करेगा, इसका अंत आएगा, इसको सजा भी मिलेगी। और इसने माड़े कर्म की, उसकी जरूर सजा मिलेगी। इसको मैंने काफ़ी देर से समझाया है, ये किन्नरों में फिर के घूम फिर के बिरादरी में, और ये कहता है भी मैं किन्नर हूँ और राजा हो यहाँ की, ये कोई राजा नहीं है, ये सब बरूपिये हैं। इन्होंने मेरे साथ पहले भी माड़ा कराया, अभी भी कैथल जिले के अंदर इन्होंने आपस में हंगामे मचाए हुए हैं, किसी के बच्चे की जिंदगी खराब करनी, मुंह से अन्याय ज्यादा लेना, किसी को परेशान करना, ये इनका अच्छा काम नहीं लगा। इसके बारे में प्रशासन कड़ी तक कड़ी कार्रवाई करे और देखभाल करे भाई, ये नजाज बिल्कुल निजाज हो रहा है। और आज मैंने बोलना पड़ा, अब लोग कहते हैं तुम नकली किन्नर हो, तुम्हारे को 500 मिलेंगे, 1000 मिलेंगे, लेकिन मैं किन्नर नकली नहीं है, मैं असली है। मेरे पास मेडिकल सापी टिकट भी है, ये देखो, मेडिकल बोर्ड का सापी टिकट भी है, मैं असली किन्नर है, एक कैथल जिले की बेटी हूँ। और मेरा नाम भी मेरा मिलेगा, और मेरा नाम कोई तुम्हारे को तंग करे, मेरा नाम मेरा रजौंद भी पहुँचा सकते हो। मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, मैं इन्होंने परेशान करी हुई हूँ, इनसे जान वान का मैंने बिल्कुल खतरा है, कभी भी मैंने मार सकती है, इसलिए असली किन्नर नहीं दिखाई देते। क्यों कि हमने लुक के रहना पड़ता है, ये बुरुफिये कल मेरे को मार दे, उसका कौन जुम्मेवार है। इसलिए आज कैथल जिले में पूरे में आवाज आ चुकी है, आज मैंने बोलना पड़ा, आज मैं मजबूर होगी बोलने के लिए। इसके सारे सबूत मेरे पास पड़े हैं भारद्वाज के, इसको निकाला जावे। जो मेरे कैथल शहर में झनके जनाने हैं वो रहो, मेरे पास आन के रहो, और जो नकली किन्नर बना हुआ है, बुरुफिया बना हुआ है, उसने यहाँ से अपना अपने घर चले जाए प्यार से। यही मेरी उम्मीद है कि सरकार उनको प्यार से भेजे अपने अपने घर, और मेरा कैथल मेरे को मिलना चाहिए। और मैं अपने राम से रह रही हूँ, मिल भी रहा है, मैं अभी भी इलाके में रह रही हूँ, ठाट से रह रही हूँ। और इन किन्नरों को जो कहते हैं हम किन्नर हैं, ये बर्फिए हैं, इन पे मेडिकल लिया जाए और प्रशासन पूछो इनको, तुम किन्नर कैसे हैं, ये ना गलती से किन्नर बन बन के आए हुए हैं, दो दो बच्चों के बाप हैं। पहले भी मैंने किन्नरों की रिपोर्ट निकलवाई, उसमें वोट लिस्ट है मेरे पास, वह पकड़े गए, 4-4 बच्चों के बाप थे, वे पकड़े गए हैं, कोर्ट में लिख लिख के दे के गए हैं, माफ़ी मांगी है, जिसमें मेरे पास बहुत सारे सबूत हैं। और मेरी यही हाथ जोड़ के विनती है मेरी माता और बहनों से, भाइयों से, मेरे बुजुर्गों से, मेरे पंचों से, कि इनको प्यार से मेरा कत्ल से निकाले जाए, हम इनसे बहुत परेशान हैं। और आपका शुक्रिया, थैंक यू।